एक तरफ जहां डॉक्टर को भगवान माना जाता है, वहीं डॉक्टर मरीजों के भगवान भक्षक बने नजर आ रहे हैं। मामला देवरिया जनपद का है, जहां मरीज के साथ आए परिजन की अस्पताल के स्टाफ ने जमकर पिटाई की। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि वो अपने मरीज को लेकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे बाहर की दवा लिख दी और परिजनों की डॉक्टर के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद वहां मौजूद स्टाफ ने मरीज के परिजन के साथ मारपीट शुरू कर दी और पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया। समय पर इलाज न मिलने से मरीज की मौत हो गई। उनसे बस यही पूछा कि सर ये दवा लगेगा किसको, आप ही ने तो भेजा था दवा के लिए, तो बोले हैं कि मैं नहीं जानता और तुम बहुत इंक्वायरी कर रहे हो। तो मैं बोला कि सर मैं पूछ तो सकता हूँ, मेरे भाई को चोट लगा हुआ है। तो बोले हैं कि नहीं तुम इधर आओ, तो कॉलर पकड़ करके और हाँ छोड़ दिए। फिर उनका स्टाफ आ गया और मेरी घड़ी इन्होंने निकाल लिया, पता नहीं सर वो अच्छी बात है चलिए। और उसके बाद मेरे पॉकेट में बार बार ये लोग हाथ डाल रहे थे और हाथ छोड़ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे मैं गलती क्या किया, अगर गलती समझ में आता तो समझ में आता कि हमने गलती किया, लेकिन बेवजह उसका इन्होंने हाथ छोड़ा मेरे ऊपर। मारने वाले सारे सात आठ लोग आ गए स्टाफ के, मतलब मैं ये बोला कि मेरे भाई को इंजेक्शन लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोल रहे हैं कि ये दवा नहीं, मैंने कोई नहीं लिखा और उन्होंने ही भेजा था कि जाकर दवा लेकर जाए। कुछ दीवारदार और मरीजों से और डॉक्टर के बीच में कुछ दिक्कत आई थी और इमरजेंसी सर्विस कुछ ब्रेक हो गया था और हम और सीओ साहब आए और उसको बहाल कराए और सारे मरीजों को सही से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रोवाइड कराई। थैंक यू। घटना की जानकारी होने पर मौके पर उपजिलाधिकारी सीओ सदर समेत भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और मामला शांत होने के बाद डॉक्टरों ने उपचार सेवा शुरू की। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से विकास द्विवेदी की रिपोर्ट।